बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द प्लेस वैल्यू। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेस वैल्यू है क्या। ईच डिजिट इन अ नंबर हैज़ इट्स ओन वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजिशन। कोई भी नंबर है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसकी पोजिशन पे कि आया वो उसकी पोजिशन है क्या। जिस तरह देखें, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वंस, टेंस एंड हंड्रेड। तो थ्री डिजिट्स से रिलेटेड मैं आपको इनकी पोजिशंस क्लियर करूंगी प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से। आपके पास एक नंबर है 342। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि नंबर में मौजूद वैल्यूज़ की जो पोजिशन है वो बताएगी कि आया उस नंबर की पोजीशन क्या है। वो यूनिट पे है, यूनिट और वंस दोनों एक ही हैं। हम यूनिट भी कहते हैं, वंस भी कहते हैं, और इसके मायने हैं एक, ओनली वन। इसी तरह हमारे पास टेंस हैं, टेंस किसे कहेंगे हम, टेन को, वन ज़ीरो टेन। इसी तरह हमारे पास हंड्रेड है, हंड्रेड हम कैसे लिखते हैं, वन हंड्रेड, यानी कि वन डबल ज़ीरो। अब हमारे पास एक नंबर है 342। अब मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पर आप मुझे बताइए कि फोर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है। हम हमेशा राइट हैंड साइड से पढ़ना लिखना मैथ्स में स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, तो हम क्या मल्टीप्लिकेशन हो, हमने उसे ये रूल है कि हमने राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है। अब मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे बताइए कि फोर की प्लेस वैल्यू क्या है। तो हम देखेंगे कि टू की यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। बाज़ बच्चों ने यूनिट भी पढ़ा है, वंस भी पढ़ा है, तो ये दोनों एक ही हैं और इनका मतलब क्या है, एक। टू की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, वंस। फोर की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। और थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है, हंड्रेड। ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा इस ब्लॉक फॉर्म में। यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्लॉक्स बना दिए हैं। सबसे पहले वंस है, उसके बाद टेन है, उसके बाद है हंड्रेड। वैसे ही हमने राइट हैंड साइड से नंबर्स को पुट करना स्टार्ट किया है। टू की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस। फोर की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। और थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है, हंड्रेड। ठीक है, क्या हो गया, थ्री हंड्रेड, फोर टेंस, टू वंस। इसको किस तरह पढ़ेंगे, थ्री हंड्रेड, फोर टेंस एंड टू वंस। अब इस ब्लॉक की मदद से यहाँ पर मैंने एक्सपेंड कर दिया है, यानी कि अलग कर दिया है, ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर थ्री 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 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या थी, हंड्रेड। तो हमने इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया। थ्री की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या थी, हंड्रेड। हमने इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आ गया हमारे पास 300। ये हम कर रहे हैं एक्सपेंड फॉर्म। इसी तरह अब यहाँ पे टेंस की प्लेस पे आए हम, फोर 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 की प्लेस यहाँ पे क्या थी, टेंस। तो हमने टेन से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह है प्लस। टू की प्लेस क्या आ रही है हमारे पास, वंस, तो हमने वन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है थ्री मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड, यानी कि 300 टाइम्स, फोर 10 टाइम्स, टू 1 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 40 एंड 2। अब देखिए इसको पढ़ना बिल्कुल आसान हो गया है, 342, 342। अब इसको हमने काउंटिंग में लिख दिया, देखिए हम इसे 100 के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 342। अब इसको इनवर्ड्स में लिखा है 342। ये बहुत इजी है, ये इसी सूरत में आपको आसान होगा जब आपको हर नंबर की प्लेस वैल्यू पता होगी।